मुझे 715 नंबर मिल जाएंगे। ये सब स्कैम है जो मेरे साथ किया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे कल को, उन्हीं की किडनी बेचेंगे। साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये गुस्सा, ये आंसू उस हुनहार बेटी के हैं जिसकी नीट 2024 की मार्कशीट में धांधली हुई। मामला लखनऊ का है जो आपको हैरान कर देगा। कहानी आयुषी पटेल की है। पूरी खबर हम आपको क्रम से समझाते हैं। सबसे पहले आयुषी का रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ, फिर NTA ने एक मेल किया और कहा कि OMR शीट डैमेज होने की वजह से रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाया। आयुषी के मामा लखनऊ हाई कोर्ट में वकील हैं। दूसरी बार उन्होंने NTA को मेल किया कि फटी हुई OMR शीट का ही रिजल्ट जनरेट किया जाए। 24 घंटे के बाद रिजल्ट आया तो 720 में से 715 मार्क्स बने। आयुषी पटेल ने इस पर एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी और जांच की मांग की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो वायरल होने पर NTA ने उनसे कहा कि उनका एप्लीकेशन नंबर 240411840741 नहीं है, ये नंबर गलत है। इसमें 840 की जगह 340 है। जब आयुषी ने एप्लीकेशन नंबर में 340 डाला तो रिजल्ट आयुषी का ही खुला, लेकिन उसमें मार्क्स करीब 300 के ऊपर थे। ये देखकर आयुषी का दिमाग चकरा गया। उनका दावा है कि जब हर जगह एप्लीकेशन नंबर में 840 था तो अचानक 340 से रिजल्ट जनरेट कैसे किया गया। NTA और नीट पर उनका गुस्सा फूटना लाजमी है। उन्होंने क्या क्या कहा सुनिए। मैम मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाईकोर्ट में लिसनिंग है। मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे कल को, उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुंह पे सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। वायरल वीडियो पर कई लोगों ने आयुषी पर सवाल खड़े किए। लोगों का कहना है कि आयुषी ने रिजल्ट के साथ हेरफेर किया है। इस पर भी आयुषी ने कमेंट किया, सुनिए। अगर मैं फेक हूँ तो जो मेरे एडमिट कार्ड पे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने ही मतलब मैंने 3 को 8 बनाया, तो मैम जिस सेंटर में जब लोग जो ये चीज़ कह रहे हैं, अगर मैंने बनाया होता, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, अगर मैंने बनाया होता मुझे कैसे पता चलता कि अगर मैं 3 को 8 बना दूंगी तो मैं सुचित्रा थाट जो भी लड़की है उसका OMR रोल नंबर ले लूँगी और उसके बाद मुझे 715 नंबर मिल जाएंगे। मेरे रिलेटिव्स ही मुझ पर क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बाद, तो मुझे नहीं पता। मेरा एक छोटा स्टेप जो मैंने खुद के लिए लिया था वो इतना बड़ा वो बन जाएगा, इशू बन जाएगा, उसको पॉलिटिकल बेसिस पे लोग चलाएंगे। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरी बस इतनी थी कि जो मेरा OMR है उसको चेक कर दें। वो नहीं निकल रहा है तो 4 लोग कमेंट करोगे स्कैम है स्कैम है। मैंने तुम्हारा ना कुछ खाया है, मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे साथ हैं। तो जितने भी लोग मेरे पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने जो स्कैम किया है, ना मैं तुम्हारा कुछ खाती हूँ, ना तुमने मेरा एडमिशन कराया, ना तुम्हारे नीट से कोई रिलेशन है, आप अपना पढ़ें अपना ध्यान दें, मुझे आपका किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं अपने लेवल पे हाईकोर्ट में लड़ूंगी और मेरा फैसला हो जाएगा, मुझे आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। बता दें इससे पहले आयुषी 3 अटेम्प्ट दे चुकी है, ये उनका 4th अटेम्प्ट था। प्रूफ के तौर पर उन्होंने पिछले साल दिया FSET का रिजल्ट भी लोकल 18 को दिखाया। सबसे पहले जब मैंने 12th के साथ दिया तो मेरे 535 थे, फिर 570 थे, फिर 595 थे और अब मेरा 715 स्कोर बन रहा था। इसके साथ ही मैंने पिछले साल FSET ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस में जो पेपर दिया था वो फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के, तो उससे मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 थी, जिसका मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 3 थी। मैंने कोविड में काम किया, मेरे पास इम्यून बूस्टर्स के सर्टिफिकेट्स हैं। इतना पढ़ा लिखा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा और अपने बड़े लेवल पर जाकर के अपनी ही बर्बादी क्यों करवाएगा। आयुषी पटेल की मां से भी लोकल 18 ने बातचीत की। बेटी की मेहनत ने कामयाबी के बजाय आंखों में आंसू दिए तो मां से भी बेटी का दुख देखा नहीं गया। मां ने यूपी सरकार से क्या कहा सुनिए।
हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले और किसी का भी इस तरह से न्याय से विश्वास ना उठे। और हम चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो सामने आएं। मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी को, अपने लखनऊ की बेटी को उसका न्याय दिलाए, वरना न्याय न्याय मर जाएगा। इस तरह से कोई भी आगे नहीं आ पाएगा। स्कैम बड़े लोग करते हैं, हम छोटे लोग स्कैम नहीं कर पाएंगे। बस मेरी बात पहुँचाई जाए। आयुषी पटेल का एनटीए पर आरोप है कि ये बड़ा घोटाला है। आयुषी पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका डाल दी है जिसकी सुनवाई बुधवार को होनी है, उसके बाद ही ये मामला साफ हो पाएगा। लखनऊ से लोकल 18 के लिए अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।